इस खबर के प्रायोजक हैं आरएस हॉस्पिटल एंड आरएस पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज देवा दुल्लापुर गाजीपुर, प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार पांडे MBBS। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यूपी के हमीरपुर जिले में एकाएक एक दर्जन से अधिक मकानों में अपने आप बड़ी बड़ी दरारें आ जाने से हड़कंप मच गया। दरारें भी ऐसी कि जिसने पूरे मकान की जड़ें ही हिलाकर रख दी। मकान धस रहे हैं और दरारें बढ़ती जा रही हैं। अनहोनी की आशंका से मजबूरन लोगों को अपने ही घर से बेदखल होना पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन ने भी लोगों से जल्द अपने मकान खाली करने व सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के आदेश दे दिए हैं। न कोई आंधी, न कोई तूफान और न ही आया है यहाँ कोई भूकंप, फिर भी यहाँ के एक दर्जन से अधिक मकानों में एकाएक दरारें हो गई हैं। दरारें भी ऐसी जिसमें आप एक तरफ से दूसरी तरफ साफ देख सकते हैं। कहीं 6 इंच से अधिक की दरारें हैं तो कहीं मकान की छत और दीवारों के जोड़ में आई दरारें मकान को किसी समय भी मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। एकाएक मकानों में पड़ी इन दरारों को देखकर स्थानीय निवासियों के चेहरे में दहशत का मंजर साफ देखा जा सकता है। किसी को कुछ पता नहीं कि इन मकानों का ये हाल क्यों और कैसे हो गया है। हाँ, यहाँ का हर इंसान हैरान है और परेशान जरूर है। सर, क्या नाम है आपका? ये जो मकानों में दरारें आ रही हैं, ये क्या मैटर है पूरा? और अंदेशा तो ये हो रहा है कि या तो बादल जी के या फिर भूकंप, और ये पूरे डार्क एरिया हो गया है क्योंकि अभी सफेद करने के दुकान में भी अभी एक तरह से बता रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी निरीक्षण के लिए आए हैं? सबसे यू साहब भी आए थे, बैठे हुए हैं, एचएम साहब भी हैं और चेयरमैन साहब यहाँ का मुआयना करके चले गए, हम भी जब साथ में हैं। यहाँ के परिवारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ पता है आपको? जी, परिवारों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? साहब और हम लोग इसी में लगे हैं कि जी मकान खाली कर दें, जब तक व्हीकल व्यवस्था काम की धर्मशाला में इनका सामान रखवाया जा रहा है, इसके बाद आगे उचित जो कानूनी वानी का है उसका इंतजाम कराया जाएगा। शुक्रिया। सर, क्या नाम है आपको? ये यहाँ पे सुना है कि 10-12 मकान दरारें आ गई हैं और खिसक गए हैं, क्या है पूरा मैटर? सर, मेरा नाम माजिद खान है। इसमें मेरा भी मकान थोड़ा सा धसा ले गया है। इससे पहले की 8-10 दो मकान थे अगल बगल के, वो पहले फट चुके थे 5-6 दिन पहले, उसकी वजह से मेरा मकान भी धसा ले गया है। इधर एक जल संतान की लैंड डली हुई है पानी की, शायद उससे लीकेज की वजह से शायद धसा ले रही है जमीन। और कई लोगों का है, 10-12 लोगों का मकान है कि ज़्यादा ज़्यादा सी मोटी मोटी दरार पड़ी है सब में, और मेरा तो हल्का सा 4 इंच के शरीर झुक गया है मकान और सांस भी ज्यादा ले हुए। क्या हुआ, आपने इन्फॉर्म किया है नगर पालिका? हुई सबकी एक एक कॉपी दे दी है। चेयरमैन साहब भी अभी आए थे तो उन्होंने भी मुआयना किया है। ईओ साहब भी आए हैं, वो शायद ईओ साहब इधरी पे है, उन्होंने भी मुआयना किया है। अब थोड़ी देर में SDM साहब भी खबर दी है साहब ने, SDM साहब भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, वे भी मुआयना करेंगे। मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली के कस्बे पटनऊ मोहल्ले का है, जहां एक दर्जन से अधिक मकानों में एकाएक 6 इंच से बड़ी दरारें आ गई हैं। कुछ मकान तो करीब 1 फुट के धस गए हैं। रात की नींद से जागे लोगों ने आंखें खोलने के बाद जब अपने मकान का मंजर देखा तो उनके पैरों से जमीन सरक गई और आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। अब ना लोगों की आंखों में नींद है और ना ही चैन। इस घटना से कस्बे में खासा हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। एकाएक एक दर्जन से अधिक मकानों में आई दरारों और मकान धंसने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी मकानों का निरीक्षण करते हुए लोगों को अपने घरों को खाली करने का निर्देश जारी कर इलाके की बिजली व्यवस्था बंद करवा दी है। साथ ही बाहर से एक्सपर्टों की टीम बुलाकर पूरी घटना की जांच शुरू करवा दी गई है। सर, माहौल मकानों में दरारें आई हैं, क्या है मामला, क्या लग रहा है? जैसे हमको सूचना मिली, ईओ साहब ने बताया कि पटनऊ मोहल्ले में 8-10 मकानों पे दरारें आ रही हैं, तो हम इधर मौके पर आए हैं और हमने देखा है कि दरारें हैं काफ़ी, कहीं कहीं 3-4 इंच की दरारें हैं, और सभी लोगों से कहा गया, अनुरोध किया गया है कि मकान तुरंत खाली कर दें। और हम एक विशेष टीम हमीरपुर से आ रही है, उससे हम जांच करवाएंगे
अगर वो प्रमाणित कर देते हैं कि ये बिल्डिंग रहने लायक है तो इसमें रहेंगे लोग, नहीं अदरवाइज इसमें नहीं रहेंगे। इसके पीछे का रहस्य समझ में नहीं आ रहा क्या है आखिर? लोगों का कहना है कि ये दरारें कुछ छोटी छोटी दरारें 3-4 दिन से हैं, लेकिन आज काफ़ी बड़ी दरारें हुई और इसके नीचे बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने की कोई सुरंग है। और इनकी रहने की व्यवस्था भी की जा रही है सर? हाँ, रहने की व्यवस्था पूरे नगर पालिका तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी। हमारे पास पर्याप्त साधन है, स्कूल से भी है और डाक बंगला भी है, धर्मशालाएँ भी हैं, पूरी व्यवस्था। धन्यवाद। इन मकानों के एकाएक धंसने और आई दरारों की वजह से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस हादसे ने कई लोगों को बेघर जरूर कर दिया। अनहोनी के खौफ से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की अगुवाई में पहुंचने वाली एक्सपर्ट टीम इस हादसे के कारणों को बता पाएगी, लेकिन तब तक यहाँ के लोगों को खौफ के साए में ही जीना होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।